रेडमी 9, 9i, आई मैक्स प्राइम, टॉमी ने अपने रेडमी 9 सीरीज के फोनों में प्राइसों की कमी की है। जो पुराने प्राइस थे उसमें से लगभग मैक्सिमम 2000 रुपये तक कम किया है। तो मुझे लग रहा है कि ये प्राइस इसलिए कम हुआ है क्योंकि कंपटीशन को देखते हुए कम किया गया है। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ रेडमी के 9 प्राइम की, तो वहीं उसके कॉम्पिटिशन में कौन सा स्मार्टफोन है, अपना माइक्रोमैक्स इन वन स्मार्टफोन है जो काफ़ी बेहतर स्पेसिफिकेशन के साथ आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि इसका प्राइस कम किया गया क्योंकि अभी तक इसकी डिलीवरी चालू नहीं हुई है। और लेकिन अगर जैसे ही ये इसके चालू रहेगा तो इन लोगों की सेल्स गिर जाएगी, इसलिए मुझे लग रहा है कि इन्हें अपने प्राइस को कम किया है। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो सैमसंग का भी एक M12 है, वो भी काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है। इसलिए लग रहा है शाओमी सोच रहा है कि हमें प्राइस थोड़े बहुत कम कर देना चाहिए, कंपटीशन लेवल के ला देना चाहिए। तो आप देखिए किस किस के प्राइस कितने कितने कम किए हैं। अगर मैं छोटे स्मार्टफोनों की बात करता हूँ, जो है रेडमी 9i की, तो उसमें लगभग 300 रुपये का प्राइस कम किया है। आप पुरानी देख सकते हैं प्राइस कितनी है। उसके अलावा मैं आपको दिखा दूँगा, पूरा स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा। उसके अलावा रेडमी 9 प्राइम जिसकी 9999 रुपये थी, उसकी प्राइस 500 रुपये कम कर दी गई है कंपटीशन में आने के लिए, क्योंकि इसका जो कंपटीशन है वो है माइक्रोमैक्स इन वन। इसलिए मुझे लग रहा है कि इसकी प्राइस कम की गई है। और वैसे ही 10 स्मार्टफोन है शाओमी की तरफ से जो आते हैं, उन सबकी प्राइस कम की गई है, लेकिन ये कॉम्पिटिशन को देखते हुए प्राइस कम की गई है। और बोला जा रहा है कि 31 मार्च तक की प्राइस कम है, लेकिन ये शाओमी इसे वापस नहीं लेगी, क्योंकि अगर उसे कंपटीशन में बरकरार रहना है, उसे कंपटीशन में आगे बढ़ना है, तो उसे इसी प्राइस के साथ आगे बढ़ना होगा। और ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना है, कौन सा स्मार्टफोन नहीं लेना है। क्योंकि अगर आपको पसंद है माइक्रोमैक्स, आप माइक्रोमैक्स के साथ जा सकते हैं। अगर आपको पसंद है सैमसंग, तो आप सैमसंग के साथ जा सकते हैं, और आपको लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपेयर की बात करता हूँ, तो कंपेयर के हिसाब से अगर मैं माइक्रोमैक्स प्राइम की बात करूँ, 9 प्राइम की बात करता हूँ, तो और इसमें जो मेजर मुझे चेंज लग रहा है वो लग रहा है, यानी मेजर यानी मेरे हिसाब से जो 6GB और 4GB का है वो लग रहा है। क्योंकि रेडमी 9 प्राइम में आपको 6GB वेरिएंट नहीं देखने को मिलता है, और वहीं आपको माइक्रोमैक्स में आपको 6GB वेरिएंट भी देखने को मिलता है रैम में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं माइक्रोमैक्स एक कदम आगे है, इसलिए मुझे लग रहा है कि शाओमी ने अपने प्राइस कम कर दिए हैं। लगभग शाओमी ने अपने 10 स्मार्टफोनों के ऊपर प्राइस ढीली कर दी है एकदम, मैंने ज़्यादा ढीली नहीं करी है, 1000 रुपये, 2000, 2000, 1000, 1500, 1000, 1500, 1000। तो मुझे लग रहा है कि भैया रेडमी 9, 9i, आई मैक्स प्राइम सब मिलके डर चुके हैं, कंपटीशन को रखना चाहते हैं, इसलिए ये लोग मार्केट में रहने के लिए अपनी प्राइस कम करी है। तो मैं मिलूंगा आपको और किसी वीडियो में, अभी के इतना ही।